और खबरों के रुख करेंगे। हरियाणा फरीदाबाद के बड़खल चौक पर बदमाशों का आतंक मचा हुआ है। बता दें कि सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही दहशत फैलाने के लिए राउंड हवाई फायर भी किया गया। युवक के हाथ पैरों को हथौड़ों से तोड़ दिया। बुरी तरह से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। फिलहाल मौजूदा लोगों की वजह से कई बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरा मामला आपको हरियाणा के फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां केबड़खल चौक पर बदमाशों का आतंक जारी है। बता दें कि सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला, पहले मामले की पूरी जानकारी, जहां सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। फरीदाबाद के बड़खल चौक का ये पूरा मामला है, जहाँ सुबह एक सेंटो कार में बदमाश आए थे, जो बाइक सवार युवक पर लाठी डंडे रॉड और हथौड़े से उन पर वार किया गया है। तो जो भी कोई उन्हें बीच में बचाने की कोशिश करता है, तो वो उस पर ही डरा धमकाते हैं। तो फिर उसके बाद पब्लिक उस वक्त चला रहे थे, पब्लिक ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो वहां से दो लड़के को उनको पकड़ लिया गया है, जिनमें से फिर पुलिस को मौके पर पहुंचकर वो दो लड़के को पकड़ के ले गए हैं। और उसके बाद पुलिस ने उसमें मौके पर पकड़कर पूरी जांच में जुटी हुई है। जी इसमें जी जितेंद्र, मामला गंभीर हो जाता है, जो आतंक माफ कीजिए जो भी आरोपी हैं, जो खुलेआम सड़क पर जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं युवक की, क्योंकि किस दौरान यह हादसा हुआ, किन कारणों के चलते लड़ाई झपटी हुई, क्या कुछ इसके कारण स्पष्ट हो पाए हैं? जी, ये पुरानी इनकी कोई रंजिश थी, 2020 के करीब कोई इनका मामला था, झगड़े का भी मामला हुआ था, उसके वारदात को लेकर उन्होंने बदले लेने के चक्कर में उन्होंने उसके सुबह उसके फेल्ट लगा दी थी, उसके पीठ केले में घेर के उनके पीट गया, और कहीं ना कहीं फायरिंग भी इसमें की गई थी, उनके पैर पे एक गोली भी मारी गई थी। जी बिल्कुल जितेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा मामला आपको हरियाणा के फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां युवकों को आतंक देखने को मिला, जहां युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पूरा मामला फरीदाबाद से बता रहे हैं।